मैन्युअली इसको आप खोल सकते हैं, उस पैटर्न अनलॉक कर सकते हैं हार्ड रीसेट करके। तो उससे पहले आपको क्या करना है, यूएसबी केबल को कनेक्ट कर लेना है और यहाँ पे पावर माइनस वॉल्यूम अप वॉल्यूम ये तीनों बटन को प्रेस करके रखना है। और जैसे ही ये ऑफ होगा आपको क्या करना है, जैसे ही ये वाइब्रेट करेगा तो आपको माइनस वॉल्यूम को छोड़ देना होगा और पावर और वॉल्यूम प्लस गंदला को प्रेस करके ही रखना होगा। तो देख सकते हैं अभी प्रेस करते हैं, जैसे ही यहाँ सैमसंग गैलेक्सी A70 लिखा हुआ आएगा तो आपको पावर छोड़ देना होगा। देख सकते हैं यहाँ रिकवरी मोड में आ गया है। तो मैं क्या करूँगा, वाइप डाटा करूँगा, यहाँ पे हम लेके जाता हूँ वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट में क्लिक कर दिया और ये हार्ड रिसेट हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ हार्ड रिसेट कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं इसको रिबूट सिस्टम नाउ कर देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है गैलेक्सी A70 जो है ऑन हो रहा है। इसका तो बाईपास भी होता है बट अभी न्यू मेथड आ गया है, बहुत सारा टूल मुझे दिया है तो आप इजीली इसको एफएल पे बाईपास कर सकते हो। तो आज मैं बहुत दिन के बाद जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। आप कोई भी मोबाइल को अनलॉक करने से पहले कस्टमर से बिल या आधार कार्ड उससे ले लीजिएगा और उसमें IMEI नंबर नोट कर लीजिएगा। क्या है कि आजकल बहुत चोरी का फोन आता है तो लीगली कम कीजिए, मुझे तो बताना था, बता दिया। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूँ, एक मेरे पास टूल है जो EFT प्रो डुंगल, उससे भी होता है, बहुत सारा टूल है, आप तो कोई भी टूल से आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं EFT प्रो से ट्राई करता हूँ बट फ्री टूल में भी होता है, जैसे कि पावर टूल हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये पावर टूल हो गया। तो मैं पावर टूल से ही बताता हूँ क्या कि ये फ्री में आता है और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज मैं ये पावर टूल से ही करता हूँ। तो जब तक सेट ऑन होता है तब तक उसके लिए जो है हम वेट कर लेते हैं। तो मैं पावर टूल से नहीं करूँगा, मैं EFT प्रो जो टूल है इसी से करूँगा, बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर EFT प्रो मेरा डुंगल जो है ये ओपन हो चुका है। और यहाँ पर जो है आप देखिएगा, कोई भी मोबाइल में ये सैमसंग कोड शो करना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर सैमसंग मोबाइल USB मॉडेम ये शो करना चाहिए, तभी आपका अनलॉक होगा, नहीं तो ये शो नहीं होगा तो आपका USB पिन खराब होगा, पिन चेंज करने का तभी होगा। तो मैं क्या करूँगा, आप सैमसंग में क्लिक करूँगा और जब तक सेट ऑन हो रहा है, ऑन होने तक मैं इंतजार कर लेता हूँ। और ये एफएलपी में है और यहाँ पे एनिवल ADB नॉर्मल मोड यहाँ पे होगा, ये एनिवल नॉर्मल मोड। तो जब तक मैं इंतजार कर लेता हूँ सेट ऑन होने तक, तो फ्रेंड्स आपके पास अगर डिवाइस या डुंगल कुछ भी नहीं है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करके मेरा ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद जो है आप हमसे अनलॉक करा सकते हैं, कोई भी मोबाइल का अनलॉकिंग करा सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ रहेगा, आप इजीली उसको अनलॉक कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, यहाँ पे इंस्टॉल एप्लीकेशन हो रहा है। क्या क्या है बताइए ना, मेरा तो काम चालू ही है, काम कारीगर चला जाएगा।
अभी देखो एक गाड़ी का भी इसका माल भरा है, शाहरुख का एक गाड़ी अभी तो लोड हो रहा है। वो माल के ऊपर कैसा होगा उसका होगा। तो देख सकते हैं ये कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ इमरजेंसी में क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार हर जीरो स्टार हच ये डायल कर देना है। उसके बाद जो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो एनिमल एडीबी यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। और जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर जो है ओके कर देंगे। ओके करने के बाद स्क्रीन में एक नोटिफिकेशन आएगा, तो फिलहाल नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी वेटिंग में है। ट्राई अगेन। तो हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, यानी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये अलाउ का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे अलाउ में टिक करना है और यहाँ पे अलाउ में ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स ये हो गया कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीटली अलाउ कर देना है फिर से, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर ओके हो चुका है। अब यहाँ पे हम बैक जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर बैक जाने के बाद जो फिर से बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्प्लीटली ये FRP बाईपास हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे स्किप का ऑप्शन भी आ गया है। वैसे फोन को एक बार रिबूट करेंगे तो ये कम्प्लीटली देख सकते हैं। रिबूट करने से पहले ये मेनू ओपन हो चुका है, एक बार इसको स्क्रीन ऑफ करते हैं और फिर से ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिम कार्ड या कुछ भी डालने के लिए यहाँ पे बोल रहा है, तो मैं कुछ भी इसे यहाँ पे डालूँगा नहीं, इसलिए कि यहाँ पर कि मेरा कम्प्लीटली ये हो चुका है। फिर भी मैं एक बार वाईफाई को कनेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई मैं कनेक्ट किया, और मेरे ख्याल से ये रिबूट करने से ये कम्प्लीटली ये हो जाता है, क्योंकि मैं देख लेता हूँ एक बार ये क्या बता रहा है। एक बार रिबूट कर भी लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है साइन इन का भी ऑप्शन आ गया है, तो एक बार रिबूट कर लेते हैं तब पता चलेगा। यानी इसको रिबूट करने के लिए यहाँ पे प्रेस करने के लिए बोल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे रिबूट कर लिए, अब यहाँ ऑन होने के बाद इसको देखते हैं क्या होता है। हो गया। हेलो इब्राहिम, नाना काकी बता दी अपन बारह बो आपके के लिए तुझे ये लाइटिंग होते और तो देख सकते हैं यहाँ पर सैमसंग रिफ्रेश को यहाँ पे अलवेज कर देते हैं और ये डायरेक्टली मेनू ओपन हो चुका है। तो देख सकते हैं इसी तरह से जो है आपको करना है अनलॉक FRP कंप्लीट हो चुका है। अगर ऐसा प्रॉब्लम करता है कि मतलब बार बार ये होता है ब्लिंक करता है, तो आप इसको इजीली ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हार्ड रिसेट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अभी ये हो गया है कंप्लीट, यहाँ से आप सेटिंग में जाइए, आराम से यहाँ पे अबाउट में जाइए
और सॉफ्टवेयर वर्जन में जाइए। सब मॉडल में ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ा हाई सिक्योर है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, तो खैर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि इसका डेप्रोपर ऑप्शन भी ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रिसेट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कर दिया हूँ रिसेट, डिलीट वन, ये हो गया कम्प्लीट। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो में लाइक शेयर जरूर करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।